नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक वराब। मैं भी केदार घाटी में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो गेट देख सकते हैं, ये कालीमठ परेश जो है 6 महीने का पाठ बंद रहते हैं। 6 महीने के बाद शंकराचार्य समाधि स्थल भी बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, R1R ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो वीडियो बनाया गया है केदारनाथ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप सभी इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। मैं भी केदार घाटी में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो गेट देख सकते हैं, ये कालीमठ प्रवेश द्वार है। यहाँ से कालीमठ की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। सामने आप देख रहे हैं हेलीपैड है नारायण कोटि का, तो वहाँ ये हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। यहाँ से जो किराया है प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये आने जाने का है। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं सिरसी हेलीपैड है, यहाँ से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दिया केदारनाथ के लिए। देखिए आप, केदारनाथ मार्ग में हम चलते चलते सिरसी में पहुंच चुके थे, जहाँ प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था। सुंदर झरने, हरे पेड़ पौधे, जो सभी का मन मोह ले रहे थे। जब हम झरने के पास से गुजरे तो वहाँ पर देखा लोगों की काफी भीड़ भी थी। ये सुंदर झरने बाहर से आए हुए पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। केदारनाथ मार्ग पर चलते चलते हम पहुंच चुके थे फाटा। फाटा से केदारनाथ की पहाड़ियां काफी नजदीक दिखाई देने लगी थी। सफर पर आगे चलते हुए हम पहुंच चुके थे सोनप्रयाग, जहां पर मंदाकिनी नदी और सोनगंगा का संगम देखने को मिला। स्थान है गौरीकुंड है, ये गाड़ियों का आखिरी पड़ाव है। यहां से पैदल यात्रा शुरू की है श्री केदारनाथ धाम की। ये है गौरी माई मंदिर गौरीकुंड। जो आप ये टेंट देख रहे हैं, ये घोड़ों का आवास है। गौरीकुंड में घोड़ों के लिए ऐसे आवास बनाए गए हैं। पैदल सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे जंगल चट्टी। पैदल यात्रा के सफर में हम पहुंच चुके थे रामबाड़ा, जहां पर हमें बारिश का सामना करना पड़ा। पैदल सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे रुद्रा पॉइंट, जो कि घोड़ों का स्टॉप पॉइंट होता है। रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ धाम की दूरी 2 किलोमीटर, इससे आगे आप घोड़े से यात्रा नहीं कर सकते। रुद्रा पॉइंट के थोड़ा आगे चलकर हम पहुंच चुके थे बेस कैंप। बेस कैंप से केदारनाथ धाम की दूरी 1.5 किलोमीटर है। यहां तक हेलीकॉप्टर आते हैं। कल हमने श्रीनगर गढ़वाल से अपनी यात्रा शुरू की थी, आज हम केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन रवि राणा से मैं कहना चाहूंगा कि जो सामने मंदिर है, मंदिर का जो पृष्ठ भाग है कुछ इस प्रकार दिखता है। ऊपर जो लाइट चमक रही होगी आपके सामने दिख रहा होगा, वो भैरव शिला है, केदारनाथ का रक्षक देवता भी माना जाता है। इधर जो शिला है वो भीमशिला है। भीमशिला उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। भीमशिला के कारण ही 2013 की आपदा में भगवान केदारनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बच गया। भीमशिला ने जो पानी का बहाव था, जो मंदिर की तरफ आ रहा था, उसको दूसरे छोर पे मोड़ दिया। तो कुछ इस प्रकार जो है भीमशिला और केदारनाथ मंदिर जो पृष्ठ भाग है वो दिखा रहे हैं आपको। पृष्ठ भाग से कुछ इस प्रकार दिखता है भीमशिला। सुबह 4 बजे से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। मंदिर के पट सुबह 5 बजे दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्नन्य
किंचन। बहुत सदियों पुराना है केदारनाथ बाबा जी का। यहाँ के जो है 6 महीने का पाठ बंद रहते हैं, 6 महीने खुले रहते हैं। जो है कौरव पांडव के समय में जो है केदारनाथ बाबा जो है यहाँ पे चले आए थे और अपना जो है नंदी के रूप में अपना भेष बना लिया था। फिर भी जो है भीम ने पहचान लिया था कि पूछ पकड़ ली थी और इनका सर जो है श्री पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू में है और पीठ का जो ठिल्ला है वो यहाँ श्री केदारनाथ बाबा के नाम से हुआ और ये श्री नंदी बाबा है। यही यहाँ की पुरातन सभ्यता परंपरा है। 6 महीने यहाँ पाठ होते हैं और 6 महीने बन रहे हैं। जय श्री केदारनाथ का व्यू देख सकते हैं। जो ट्रैक दिख रहा है ये भैरवशिला जाने का ट्रैक है। सामने भैरवशिला मंदिर स्थित है। केदारनाथ के रक्षक देवता भैरवनाथ माने जाते हैं। सामने जगह दिख रहे हैं, भैरवशिला है। सामने जो हेलीपैड दिख रहा है आपको, ये प्राइवेट कंपनी का हेलीपैड है, जैसे पवन हंस और अन्य जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं। हम अभी भैरव शिला के ट्रैक पे हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर का आप नज़ारा देख सकते हैं, किस प्रकार से केदारनाथ धाम दिख रहा है आपको। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे आपको यहाँ पर भीमशिला और उसी के ठीक पीछे शंकराचार्य समाधि स्थल दिख रहा होगा। उसी के ठीक ऊपर आपको ध्यान गुफा दिख रही होगी और इस जगह ये जगह दिख रही है, ये VIP हेलीपैड है। तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है भैरवशिला ट्रैक से केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर की जो पृष्ठ भाग है, मतलब जो पीछे का हिस्सा है, उसमें शंकराचार्य समाधि स्थल भी बनाया गया है। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म मैं भी केदार घाटी में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो गेट देख सकते हैं, ये कालीमठ प्रवेश द्वार है। यहाँ से कालीमठ की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। दोस्तों, हम केदारनाथ यात्रा के पश्चात हम कालीमठ मंदिर में पहुंच चुके हैं। सामने आप कालीमठ मंदिर देख सकते हैं। माँ काली का मंदिर है, प्राचीन मंदिर। दोस्तों, आप सामने कालीमठ मंदिर देख रहे हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है।